हमारे पास कोई साधन भी नहीं है कि हम लेडीज कहाँ से जाएंगे क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलते भी नहीं थे और परमिशन भी नहीं था किसी का बिना गार्जियन के बिना कि हम लोग कहीं आगे बढ़े। ये हमारी ट्रेन, हम लोग अभी खुजराव आ चुके हैं 668 किलोमीटर की जर्नी के बाद, और हमारी जो ट्रेन है वो लगभग 5 मिनट बिफोर आई है। खुजराव स्टेशन फेमस है हमारे टेंपल्स के लिए, जैन और हिंदू टेंपल्स के लिए। यहाँ पे बहुत सारे मोनूमेंट्स पाए जाते हैं जिस, और खुजराव का जो स्टेशन कोड है वो KURJ है और यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 3 है। लोकोमोटिव WDP4D। फेयर की बात करते हैं इस ट्रेन की, तो ये ट्रेन बरौनी से अहमदाबाद की ओर चलती है और जो इसमें कोचेस हैं 10 स्लीपर कोचेस हैं। थर्ड एसी कोचेस हमारे 4 हैं और जो सेकंड एसी कोचेस है वो हमारा 1 है। एक जनरेटर कार है जो पीछे की तरफ है। थर्ड एसी का जो कोच है वो लगभग जो प्राइस है उसका 2100 रुपये है और जो सेकेंड एसी का है उसका लगभग 3000 रुपये है। स्लीपर का जो हमारा जो प्राइस है वो 850 रुपये के आसपास है। तो आप जो खाना दे रहे हो 150 रुपये में प्लेट दे रहे हो, 120 में प्लेट दे रहे हो, वो कैसे दे रहे हो, क्या चार्ज ले रहे हो आप? 150 का सर चिकन खाना है पूरा सर, 120 का वेज है। नहीं वो ठीक है, मुझे मैं ये बता रहा हूँ कि आयर आपको रेलवे ने दिया है कि नहीं दिया है। ये पैक्ड आइटम है जो आप हम लोग को सर्व करते हैं, लाइक नहीं करता। अच्छा, इसको पैसे मतलब पैसेंजर लाइक नहीं करता है, आप यही कहना चाह रहे हो? ठीक है, देखिए सर, आप जो फूड प्रोवाइड हमें कर रहे हो, आप जो आप हम लोग खा रहे हैं उसका रेट लिस्ट आप क्या दे रहे हो, वो कहाँ है वो सर? आपको सर, आपको जब ये चीज़ मिली होगी तो आपको रेट लिस्ट दिया गया होगा कि इस चीज़ पे आप ये चीज़ आप सर्व करिए पैसेंजर्स को, वो रेट लिस्ट कहाँ है सर? एक्चुअली सर क्या है, क्या है कोरोना, ये देखिए सर, आरटी के सारा आइटम इसमें, रेडी टू ईट चाय है, सारी आइटम इसमें उपलब्ध है इसमें। पर अभी कुकिंग जो बेस किचन का काम है ना सर, ये नहीं उपलब्ध मिलेगा सर। ललितपुर रेलवे स्टेशन को ऑपरेट किया जाता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के द्वारा। यहाँ पर लगभग टोटल 3 प्लेटफॉर्म हैं, झांसी डिवीज़न के अंदर ये पड़ता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अभी यमन की मम्मी ने बनाया है।
काफ़ी अच्छा लग रहा है खाने में। और ये व्यू रुकते नहीं है ना भोपाल जंक्शन। ये हमारी ट्रेन और लगभग 1028 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँचे हैं हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसका अभी नाम बदल के रानी कमलापति रख दिया गया है। स्टेशन कोड है RKMP। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म यहाँ पे 5 हैं और इसको जो कंट्रोल किया जाता है वो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग का जो स्टेशन आएगा वो हमारा इटारसी जंक्शन आएगा, जो कि लगभग 10:15 बजे के आसपास आएगा। इंडिया का सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन वो हमारा रानी कमलावती जंक्शन है, जिसका नाम गोंड की रानी के नाम पर रखा गया है। और अभी हम लोग चलते हैं, सिग्नल हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इटारसी, जिसका स्टेशन कोड है ET। और यहाँ पे 8 प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से इसको ऑपरेट किया जाता है। और बेसिकली यहाँ पे जो ये डिस्ट्रिक्ट आता है वो हमारा होशंगाबाद है। होशंगाबाद हमारे नर्मदा रिवर के किनारे, जो इटारसी नाम पड़ा है वो हमारा 2 चीज़ों से बना है, एक तो ईट और दूसरा रस्सी। पुराने ज़माने में क्या होता था कि उनका ट्रेड हुआ करता था, उनकी बिजनेस हुआ करती थी, तो ईट और रस्सी से हमारा इटारसी बना है। इंडिया का 8वां सबसे व्यस्त रहने वाला जो जंक्शन है वो हमारा इटारसी है। आप सबके लिए एक होमवर्क है कि आप ये बताइए कि इंडिया का सबसे बिजेस्ट रेलवे जंक्शन कौन सा है और लार्जेस्ट जंक्शन कौन सा है, और ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और
अभी हम लोग पहुँच रहे हैं बड़ोदरा जंक्शन। अभी समय हो रहा है लगभग 11 बजे, 10 मिनट ट्रेन हमारी लेट है। वडोदरा जिसको ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवेज के द्वारा, इसको कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वडोदरा जंक्शन में नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 7 हैं। और वडोदरा की बात की जाए तो यहाँ पे जो फेमस स्वीट है वो जलेबी है। वडोदरा सिटी विश्वामित्र रिवर के किनारे बसा हुआ है और वडोदरा का जो स्टेशन कोड है वो है हमारा BRC। फ़िलहाल वडोदरा से जो हमारी ट्रेन है वो निकल चुकी है। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और लाइक करना ना भूलें, और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैंने अपना इंस्टाग्राम हैंडल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ ज़रूर विजिट करें। और हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं एक्सपोर्ट ऑडिशन। मेरे साथ है अंकल आंटी। अंकल जी आपका नाम? ओम प्रकाश सिंह। आपका नाम? सुशीला देवी। मैं आपको सर और मैडम की जर्नी बताने जा रहा हूँ, इन्होंने कैसे अपना लाइफ स्टाइल स्टार्ट किया है फ्रॉम मुंगेर टू सूरत। मेरा जन्म मुंगेर में हुआ है और मैंने वहाँ जो है BCom honors और BLC। हाँ, BLC भागलपुर यूनिवर्सिटी से। अच्छा, मुंगेर में जो है बिजनेस का ज़्यादा स्कोप नहीं था जी, इसलिए फिर मैं पटना से। अच्छा, पटना में हमारी फैक्ट्री थी, पटना सिटी में। अच्छा, पटना सिटी में आपकी एल्यूमिनियम की फैक्ट्री थी? हाँ जी। इंडस्ट्रियल स्टेट पटना में फोर स्टील ग्राइंडिंग मीडिया बहुत था। ओके, फुलवाड़ी शरीफ में जो है PSC कोर्स था। अच्छा है, जी जी, वहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा है। अच्छा मैम, आपको क्या लगा, मतलब पटना जो आपने मूव ऑन किया तो पटना से आप भी कोलकाता गए, तो आपको कैसा फील हुआ? हाँ, अच्छा लगा कि थोड़ा ये लगा कि ठीक है, हम पटना से कोलकाता आए जी, तो अच्छा लगा थोड़ा उस समय। कलकत्ता में रहने के बाद मुझे लगा कि ऐसी लाइफ यहाँ की अच्छी नहीं है। okay. पर हमारे पास कोई साधन भी नहीं कि हम लेडीज कहाँ से जाएंगे। okay. क्योंकि हम लोग घर से बाहर निकलते भी नहीं थे और परमिशन भी नहीं था किसी का, बिना गार्जियन के बिना, कि हम लोग कहीं आगे बढ़े। okay. तो फिर हम लोग इस हिसाब से कलकत्ता में है अपना। तो कलकत्ता के बाद आप कहाँ मूव ऑन किए? कलकत्ता के बाद इन्होंने हमारे हस्बैंड ने सूरत का प्रोग्राम बनाया। हमारे भाई ने कहा कि यहाँ पर किसी को बिजनेस में इतना प्रॉब्लम हो रही है, तो तुम हमारे पास आ जाओ जी, क्योंकि वहाँ पर जो शेयर थी ऑफिस थी। ओके, हाँ, शेयर मार्केट। अच्छा ठीक है, तो जीजा जी लगते हैं हमारे, तो ये इन्होंने के लिए प्रोग्राम बना लिया और शेयर मार्केट में ऑफिस में अपना जॉब किया। उनका नाम बताना चाहेंगे आप? भगवती प्रसाद मंडोलिया। ठीक है, भगवती प्रसाद जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत, मैम इसके लिए वैसे हमारे साथ सामने बैठे हुए हैं। फाइनली हम लोग अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जिसका स्टेशन कोड है ADI और 1986 किलोमीटर के बाद आफ्टर 36 आवर्स हम लोग अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, जो कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है। और यहां पे टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे 12। अहमदाबाद को हम लोग वर्ल्ड फर्स्ट हेरिटेज सिटी भी कहते हैं। जो सिटी है वो बसा हुआ है साबरमती नदी के किनारे और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन को ऑपरेट किया जाता है वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। ये हमारा आखिरी स्टॉपेज था, बाकी आगे वीडियोस के लिए बने रहिएगा हमारे वीडियोस पे। इस जर्नी को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।